हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। हमारे प्लेनेट की जो सिचुएशन है वो आप में से किसी से भी छिपी नहीं है। रिसेंटली कनाडा में अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर हिट किया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। सिमिलरली यूएस में भी हॉट वेव्स की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, और हमारे देश की सिचुएशन आप में से किसी से भी छिपी नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेजरली इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। वायरस की वजह से हम अपने घर को पूरी तरीके से क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने कपड़ों को भी पूरी तरीके से क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर को जो क्लीन कर रहे हैं क्या उससे हमारा प्लेनेट क्लीन हो रहा है? क्या वो हमारे प्लेनेट के लिए सेफ है? जो डिटर्जेंट, जो सरफेस डिसइंफेक्ट हम अपने घर में इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं पिछले एक साल से, आपको क्या लगता है उसमें जो हार्मफुल केमिकल है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए सेफ है या अनसेफ है? जो वेस्टेज डेली बेसिस पे हमारे घरों से निकलता है वो एनवायरमेंट को बहुत ही ज्यादा हार्म कर रहा है, और ये आप साफ साफ देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अभी सोच रहे होंगे सारी चीजें तो सबको पता है, बहुत टाइम से पता है, बट इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप कपड़े धोना बंद नहीं कर सकते, आप घर की सफाई करना बंद नहीं कर सकते। लेकिन गाइज, अभी एक स्टार्टअप ब्रांड आई है बैंगलोर बेस्ड, जिसने इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए पूरी तरीके से सेफ हैं। इसमें आपको डिशवॉश मिल जाएंगे, सरफेस डिसइंफेक्ट मिल जाएंगे, जो फ्लो क्लीनर आप यूज करते हैं वो मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ इसीलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है डिटर्जेंट। तो मैं बात कर रही हूँ प्योर कर्ल के लॉन्ड्री डिटर्जेंट एंड फैब्रिक कंडीशनर की। तो ये दो प्रोडक्ट मैं पिछले एक महीने से यूज कर रही हूँ, और हमारे प्लेनेट की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो इस चीज के ऊपर भी बनानी चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि अब से 30-40 साल के बाद आपके बच्चे और जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो हमारे प्लेनेट पे सेफली रह पाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ प्योर कल्ट के प्रोडक्ट्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये जो डिटर्जेंट है इसमें किसी टाइप का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल सर्फेक्टेंट से बनाया गया है। इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, और ये आपके कपड़ों के लिए, आपकी स्किन के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एनवायरमेंट के लिए पूरी तरीके से सेफ है। ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, और ये जो आप प्लास्टिक की बॉटल देख रहे हैं, इवन ये जो बॉटल है वो कंज्यूमर्स के द्वारा जो प्लास्टिक यूज की गई थी उसे रीयूज करके बनाई गई है। तो ये जो इंडियन ब्रांड है इसने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है हमारे एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए, हमारे प्लेनेट को सेफ रखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस कदम में उनका साथ दें, और आप भी प्योर कल्ट के प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट करें, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेनेट के लिए ही नहीं, आपके अपने लिए भी। आपने देखा होगा आप जो डिटर्जेंट रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं उसमें कितने ज्यादा हार्श केमिकल होते हैं, वो केमिकल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि कितनी बार कपड़े धोने के बाद भी, पानी से निकालने के बाद भी स्ट्रांग स्मेल कपड़ों में से आपको आती रहती है। आप जो मास्क डेली बेसिस पे धोते हैं उसकी वजह से आपके फेस पे एक्ने आ जाते हैं। अगर हम बात करें स्किन केयर की और पर्सनल केयर की, तो आजकल आप सभी लोग फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट यूज करना पसंद कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस फ्री फेस वॉश, फ्रेग्रेंस फ्री सीरम, फ्रेग्रेंस फ्री सारे के सारे प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी स्किन फ्रेग्रेंस से एलर्जिक है। तो व्हाट अबाउट द डिटर्जेंट जो आप यूज करते हैं? डिटर्जेंट में तो इतने सारे हार्मफुल केमिकल हैं, इवन डिटर्जेंट्स अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें भी डिस्प्ले नहीं करते। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उन डिटर्जेंट से जब आप अपने कपड़े धोते हैं, आप अपने बच्चों के कपड़े धोते हैं, तो आपकी स्किन पे और आपके बच्चों की स्किन पे उसका कितना ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता होगा? तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेनेट के लिए ही नहीं, आपके अपने लिए भी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप प्योर कल्ट के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करें। एक बार इन्हें चांस दे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। मैंने इनका ये प्रोडक्ट यूज किया, एक महीने से यूज कर रही हूं, और ट्रस्ट मी गाइस, ये आपके रेगुलर जो सर्फ है उससे कम लगता है, और आपके कपड़ों को ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। मेरे पास आज ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट है एंड फैब्रिक कंडीशनर है। इसे यूज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल अपना कोई भी डिटर्जेंट यूज करते हैं वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप हाथ से कपड़े धोते हैं तो पानी में कपड़ों को भिगोइए आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आप हाथ से धो सकते हैं। अगर आप मशीन यूज करते हैं तो जैसे कि मैं
टॉप लोड मशीन यूज करती हूँ तो आप इसे मशीन में यूज कर सकते हैं और उसके बाद मशीन में ही आप इस कंडीशनर को भी यूज कर सकते हैं। इसमें से बहुत ही ज्यादा माइल्ड एसेंशियल ऑयल्स की फ्रेग्रेंस आती है और कपड़े धोने के बाद आपके कपड़ों से वो फ्रेग्रेंस नहीं आती है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया गया है और अगर आपकी स्किन और आप फ्रेग्रेंस से सेंसिटिव हैं तब भी आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इस ब्रांड में आपको आपके घर के लिए सारे के सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी प्योर कल्ट को एक चांस दे और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। डिटर्जेंट में आपको 5 ml की क्वांटिटी मिलती है और मैंने इसे अमेजोन से 309 rupees में परचेज किया था। सिमिलरली कंडीशनर में भी आपको 500 ml की क्वांटिटी मिलती है और मैंने इसे IGS अमेजोन से 249 rupees में परचेज किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने अर्थ को, अपने घर को और अपने आप को पूरी तरीके से सेव कर सकते हैं इतने अफोर्डेबल प्राइस में। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर की है इससे आपको फायदा होगा और आप भी मेरी तरह प्योर कल्ट के प्रोडक्ट्स अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।